अगर आप अपने स्मार्टफोन में या फिर किसी के भी स्मार्टफोन में सेव्ड वाईफाई का पासवर्ड अगर चेक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे देख सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सेव वाईफाई का पासवर्ड देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को किसी भी एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेना है। अगर पहले से कनेक्टेड है तो आप उसका पासवर्ड बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे वाईफाई में चले जाता हूँ तो आप देखिए मेरा जो ये फ़ोन है एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब अगर मुझे इस वाईफाई नेटवर्क के पासवर्ड को देखना है तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ वो आप देखिए। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कहीं पे भी पासवर्ड वगैरह देखने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे भी पासवर्ड देखने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली बैक आएंगे तो यहाँ पे इस पर एक बार आपको टैप करना है। टैप करेंगे ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ये क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को इसके मतलब स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है तो आप उस फ़ोन से क्यूआर कोड मतलब ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन कर सकते हैं। अभी जबकि मेरे पास मेरा कोई दूसरा फ़ोन नहीं है, मैं इसी फ़ोन से आपको स्कैन करके बताऊंगा कि इस क्यूआर कोड के अंदर के जो पासवर्ड है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया जा चुका है। आपको अपने फ़ोन में कोई भी एक क्यूआर कोड स्कैनर को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो आपके फ़ोन में पहले से एक ये स्कैनर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ होगा, फीचर दी गई होगी पहले से। अगर नहीं है तो आपको अपने फ़ोन में ये क्यूआर कोड स्कैनर को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्यूआर कोड ये जो एप्लीकेशन है इसको आप गूगल प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका क्यूआर कोड एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने आपके फ़ोन की कैमरा ओपन हो जाएगी। ओपन होगी यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है गैलरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे गैलरी अपनी ओपन कर लेनी है। ओपन करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट होगा मतलब जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपने क्यूआर कोड का, जो वहाँ पे वाईफाई का क्यूआर कोड था उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको आप सिंपली एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए नाम यहाँ पे दिखाई दे दिया गया है कि नेटवर्क नेम है यहाँ पे जो भी नाम यहाँ पे सेट किया गया है वो, और पासवर्ड क्या है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप कॉपी पासवर्ड कर सकते हैं और अपने किसी फ़ोन में अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है तो आप इस पासवर्ड को वहाँ पर एंटर करके और वो वाईफाई नेटवर्क को अपने किसी भी दूसरे फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अगर किसी के स्मार्टफोन में सेव्ड वाईफाई का पासवर्ड अगर आपको देखना है तो वो आप इजीली कैसे चेक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखकर पूरा का पूरा समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।